नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका अपने कृषि खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान मित्रों, आज हम राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले के बिजोलिया तहसील के एक ग्राम में आए हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे इसबगोल की खेती के बारे में। किसान मित्रों, विश्व बाज़ार में 80% इसबगोल की आपूर्ति भारत करता है, अर्थात भारत में विश्व का सबसे अधिक इसबगोल भारत में पैदा होता है। भारत से इसबगोल का आयात करने वाले प्रमुख देशों में अमेरिका, इंग्लैंड, नॉर्वे, जापान, जर्मनी, कोरिया, इटली आदि देश हैं जो भारत से इसबगोल का आयात करते हैं। साथियों, बात करें इसबगोल के उत्पादक राज्यों में तो इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में किया जाता है। साथियों, बात करें इसबगोल के बारे में तो इसका उपयोगी भाग छिलके के ऊपर पाए जाने वाला बोसी छिलका होता है। यह अपनी कुल भार का से काफ़ी अधिक मात्रा में पानी का अवशोषण करने की क्षमता रखती हैं यह बोसी। साथियों, इसके अलावा इसबगोल का उपयोग आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथिक चिकित्सा पद्धतियों में कई सारी दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। इसके अलावा रंगाई, छपाई, चॉकलेट, गोंद, आइसक्रीम, सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों में भी काफ़ी किया जाता है। साथियों, इसबगोल की एक पौधे से लगभग 25 से 125 तक कल्ले निकलते हैं और पौधों में बुआई के 60 दिन बाद बालियां शुरू हो जाती हैं और फसल 115 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। साथियों, बात करें इसबगोल के लिए आवश्यक जलवायु की तो साथियों, इसबगोल की फसल जलवायु के प्रति काफ़ी संवेदनशील फसल हैं। इसके लिए शुष्क और ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती हैं। साथियों, जैसे कि आप देख रहे हो इस फील्ड में अभी इसबगोल की फसल में बालियां लहरा रही हैं और एकदम स्वस्थ हैं। अब साथियों, इसबगोल के जब बीज अंकुरण होते हैं उस समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और पौधों की वृद्धि के लिए 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा जब फसल पक रही हो, परिपक्व अवस्था में हो, उस समय 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। साथियों, जिस समय हमारी फसल पकने वाली होती हैं, अगर उस समय हल्की बूंदाबांदी या बादल छाए रहते हैं तो हमारी फसल में भारी नुकसान हो जाता है। साथियों, बात करें मिट्टी की तो इसबगोल की खेती हम सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन अधिक पैदावार लेने के लिए बलुई दोमट मिट्टी जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो इसके लिए उपयुक्त रहती हैं। साथियों, बीज उपचार। इसबगोल को तुलसीता रोग से बचाने के लिए 5 ग्राम मेटालेक्सल को प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित कर लेना चाहिए। किसान मित्रों, बुआई का समय। साथियों, वैसे तो इसबगोल की फसल को बुआई हमें गेहूं की बुआई के 10-15 दिन पहले ही कर देनी चाहिए, लेकिन साथियों, हमारे जो इस खेत में हमने बुआई नवंबर के प्रथम पखवाड़े में की थी, इसलिए इसबगोल के बुआई का उचित समय 1 नवंबर से 15 नवंबर तक रहता है। इस समय हमें इसकी बुआई कर देनी चाहिए। बीज की मात्रा। साथियों, बीज की मात्रा बुआई की विधि पर निर्भर करती है। अगर हम छिटकाव विधि से बुआई करते हैं तो लगभग 6 से 7 किलो बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती हैं। वहीं अगर हम इसबगोल की बुआई कतारों में करते हैं तो 4 से 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। साथियों, चूँकि इसबगोल का बीज बहुत छोटा होता है, अगर हम छिड़काव विधि से बुआई करते हैं तो उसके बीजों के साथ में रेत मिला करके छिड़काव करें तथा रेत चलाकर बीजों को हल्का मिट्टी में दबा देवे। तो साथियों, अब बात करते हैं कतार से कतार की दूरी। साथियों, अगर हम इसबगोल की बुआई कतारों में करते हैं तो कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर के और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखें। अब अधिक उपज देने वाली हाइब्रिड किस्में। गुजरात इसबगोल 2, जिसे हम GI2 के नाम से जानते हैं, यह एक उन्नत किस्म है और 118 से 125 दिन में तैयार हो जाती हैं। साथियों, बात करें पैदावार की तो लगभग 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देती हैं। इसमें भूसी की मात्रा 30% तक पाई जाती हैं और भूसी उच्च गुणवत्ता वाली होती हैं।
RI89, राजस्थान 89, यह भी एक उन्नत किस्म है और लगभग 110 से 115 दिन में पककर तैयार होती हैं। बात करें इसकी पैदावार की तो लगभग 14 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देती हैं और इस वैरायटी में रोगों और कीटों के प्रति लड़ने की क्षमता होती हैं तथा इसकी जो भूसी होती हैं वह उच्च गुणवत्ता वाली होती हैं। पौधों की हाइट 30 से 40 सेंटीमीटर होती हैं। साथियों, इस फील्ड में हमने RI89 का ही सिलेक्शन किया है, इसी की बुआई की हैं। RI1 राजस्थान इसबगोल 1, यह वैरायटी 120 से 125 दिन में पककर तैयार होती हैं और 14 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देती हैं। तुलसीता रोग से यह प्रतिरोधकता रखती हैं। इसके अलावा इसके पौधों की हाइट 30 से 45 सेंटीमीटर के लगभग होती हैं और भूसी उच्च गुणवत्ता वाली होती हैं। सिंचाई, साथियों परीक्षणों से सिद्ध हुआ है कि इसबगोल में सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, फिर भी इसबगोल की बुआई के समय सिंचाई करें। उसके बाद जब बीजों का अंकुरण सामान्यतः 5 से 6 दिन में हो जाता है, अगर अंकुरण नहीं होता है तो 7 से 8 दिन बाद हल्की सिंचाई करें। इसके बाद जब हमारी फसल 30 से 35 दिन की हो उस समय सिंचाई करनी है तथा उसके बाद 60 से 65 दिन की अवस्था में सिंचाई करें तो हमें अधिक से अधिक उपज ले सकते हैं। इसबगोल में क्यारी विधि की अपेक्षा फव्वारा विधि से सह सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती हैं। अब साथियों, निराई गुड़ाई, इसबगोल की फसल में पहले निराई गुड़ाई 20-25 दिन की अवस्था पर करें, दूसरे निराई गुड़ाई 40 से 45 दिन बाद अवश्य करें तथा खरपतवार नियंत्रण हेतु 600 ग्राम सक्रिय तत्व आइसोप्रोटीयुरान को बुआई के 101 से 2 दिन बाद या फिर बुआई के 15 दिन बाद फसल में छिड़काव करके हम खरपतवारों को नियंत्रण कर सकते हैं। खाद और उर्वरक, साथियों अगर हमें इसबगोल से अधिक पैदावार लेनी है तो संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक का प्रयोग करना होता है। साथियों, इसके लिए गोबर की खाद उपलब्ध हो तो बुआई के पहले खेत की तैयारी के समय 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में मिला लेवे। इसके बाद बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 35 किलो यूरिया 150 से 160 किलो SSP भूमि में मिलाए। बुआई के समय मिलाने के बाद बुआई के 30 दिन बाद 35 किलो यूरिया को सिंचाई के साथ हमें दे देना चाहिए। इस प्रकार हम प्रति हेक्टेयर 70 किलो यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। इसबगोल की कटाई, साथियों फरवरी मार्च में इसबगोल की कटाई का समय हो जाता है। इसबगोल में 25 से 125 तक कल्ले निकलते हैं तथा पैदावार भी काफ़ी निकलती हैं। साथियों, फसल पकने का अनुमान पकी हुई बालियों को उंगलियों के बीच दबाकर किया जा सकता है। पका हुआ दाना इस प्रकार दबाने से बाहर निकल जाता है। फसल को पूरी तरह से पकने के करीब 1 से 2 दिन पहले ही कटाई कर लेनी चाहिए। कटाई सुबह के समय ही करें, इससे सुबह की ओस की बूंदों के कारण बीजों को बिखरने का डर नहीं रहे। कटी हुई फसल को 2 से 3 दिन में खलिहान में सुखाकर जीरे की तरह चढ़का कर निकाल लेवे। अच्छी फसल में करीब आधा वजन बालू का होता है और आधा वजन डंठल का होता है। निकले हुए बीजों को सुखाकर बोरियों में भर लेना चाहिए। साथियों, अगर आपने अब तक हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथियों, इस खेत में हमने इसबगोल की बुआई इसी साल की है। इससे पहले हमने हमारे दूसरे खेतों में इसबगोल की बुआई की थी और इसबगोल से हमें पिछली बार भी बहुत अधिक फायदा हुआ था। अन्य क्रॉप की अपेक्षा हमें इसबगोल से अधिक बेनिफिट मिला। इसबगोल से हम प्रति बीघा लगभग 2 से 2.5 क्विंटल प्रति बीघा इसबगोल की पैदावार ले लेते हैं और वर्तमान समय में इसबगोल की जो मार्केट रेट है वह 20,000 रुपये प्रति क्विंटल के दर से में मार्केट में इसकी मंडी भाव मिलता है। तो लगभग प्रति बीघा हमें 40 से 50 हज़ार रुपये की आमदनी हो जाती है। और साथियों, इसबगोल में अतिरिक्त खर्चे कुछ भी नहीं होता है और बहुत ही सीधी फसल है और लगभग हम आसानी से इसकी पैदावार ले सकते हैं।
तो साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।